बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं? अल्लाह पाक सबको शादोबाद रखे, सब पे अपनी रहमत करे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज का व्लॉग कुछ ऐसे है कि मैं आज जो है जॉब से जल्दी आ गया हूँ, तो क्योंकि जाना है घर वालों के साथ शॉपिंग करने के लिए, तो झाल पर जा रहे हैं चेज़अप पे। तो चलें फ्रेंड्स चलते हैं, मैं जाके आपको भी दिखाता हूँ। अभी कुछ धूप है, ऊपर मैं छत पर हूँ, तो अभी मगरिब की नमाज़ के बाद इंशाल्लाह जाना है। तो चलें फ्रेंड चलते हैं, मैं आपको भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा, विज़िट करवाऊंगा पूरे मॉल का। तो वैसे तो वो वीडियो बनाने नहीं देते, अलाउ नहीं है, क्योंकि उधर कैमरे वगैरह लगे हुए हैं। तो फिर भी मुझसे जैसे भी बनी मैं इंशाल्लाह बना के आपके साथ शेयर करूँगा। तो सब दोस्तों से और न्यू व्यूवर्स से यही मेरी एक रिक्वेस्ट है कि छोटी सी, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। हाँ जी, तो फ्रेंड्स घर से निकल आए हैं, किनार रोड पे हम जा रहे हैं, झाल पे जाना है आज। उधर आपको मैंने बताया है कि वो शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग सेंटर है चेज़अप, उधर जा रहे हैं हम। उधर से एक मैंने जूता लेना है और घर का कुछ सामान लेना है। तो चले फ्रेंड चलते हैं, देखें आप भी। हम पहुंच चुके हैं, एम्बुलेंस भी जा रही है, अल्लाह पाक खैर ही करे। माशाल्लाह झाल पे तो जब भी आ जाए रौनक ही होती है। एक मैं पहले भी झाल की वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। ये देखें कितनी माशाल्लाह ट्रैफिक है और आवाम का बहुत ही रश है इधर। हम जो है इधर झाल पे पहुंच चुके हैं सजाना रोड पे। ये मैं रोड पे ही खड़ा हूँ, अभी दूसरी साइड पे जाना है, जिधर वाली साइड पे चेज़अप है। मैं आपको अभी घूम के थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये है मेरे पीछे चेज़अप। तो इधर अभी हमने अंदर जाना है, तो सिर्फ अभी मैं इधर खड़ा हूँ आपको बताने के लिए। तो चले फ्रेंड चलते हैं, अंदर चलते हैं। तो अंदर जाके मैं अगर वीडियो बन सकी तो इंशाल्लाह बनाऊँगा, अगर ना बन सकी तो कोई कुछ कह नहीं सकता मैं। तो चले फ्रेंड चलते हैं अंदर। हाँ जी, तो फ्रेंड्स फाइनली जो है हम इधर चेज़अप के अंदर आ चुके हैं। ये देखें इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं इधर, और माशाल्लाह बहुत ही रौनक है, आवाम बहुत ज़्यादा शॉपिंग वगैरह करने के लिए आई हुई है। तो चलें फ्रेंड्स मैं आपको बाकी भी दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा अंदर माहौल है, गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है ना आज इधर। चलें फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ये हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। इधर ये कुछ लेडीज़ की ज्वेलरी वगैरह लगी हुई है, और ज्वेलरी माशाल्लाह बहुत प्यारी है और रेट भी माशाल्लाह बहुत ही सस्ता है। आगे चलते हैं, ये आगे लेडीज़ के और बच्चों के इधर कपड़े वगैरह हैं। आगे जा रहे हैं हम अब। ये बच्चों के कपड़े हैं, इनका भी रेट चेक किया था हमने, तो बहुत ही मुनासिब था रेट इनका, और फैब्रिक वगैरह भी जो था ना बिल्कुल अच्छे वाला था। ये बच्चा जो है अपनी मामा से झगड़ा करी जा रहा है, पता नहीं किस लिए। ये बच्ची के किसी के कपड़े थे, हमने देखे थे छोटी के लिए, तो बहुत ही प्यारे थे और रेट भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा था। ये मुझे लगता है शर्ट जो है सिर्फ 450 में दे रहे थे। और इधर अब हम आ गए हैं, ये लेडीज़ जो है जूतों वाली साइड पे, साथ ही जेंट्स भी है। तो इधर जो जूते वगैरह थे, मैंने इधर से जूता मुझे पसंद नहीं था आया और ना ही मैंने लिया था। आईने में देखें मैं कैसा लग रहा हूँ, लेकिन आईना तो बहुत ही गंदा था, तो बस इसलिए मैं एक सेकंड के लिए वहाँ पर रुका था। तो जूता जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे पसंद नहीं था, मैंने इसलिए नहीं लिया। ये आ गए अब जेंट्स के कपड़े वगैरह, तो साथ ही ये वेस्ट कोट वगैरह भी थे, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे थे वो भी।
तो इंशाल्लाह जब हमारी आपके सबके बहन भाइयों के तावन के साथ मुझे यूट्यूब की फ़र्स्ट इंशाल्लाह अर्निंग आएगी, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं अपने घर वालों को, अम्मी को, अब्बू को और सिस्टर को इधर से इंशाल्लाह शॉपिंग करवाऊँगा। तो अब हम आगे जा रहे हैं, आगे देखते हैं क्या आता है। ये आ गए हैं बच्चों के खिलौने, ये कुछ बुर्ज खलीफा का और ये उन कुछ पुरानी गाड़ियों के बिल्डिंग्स के ना मोनोग्राम वगैरह बना के इधर रखे हुए थे इन्होंने, जो अक्सर ऑफिस वगैरह में रखने के लिए यूज़ होते हैं। ये छोटी बच्चियों की हैं, कैचर और पोनियाँ वगैरह, ये देखें गाड़ियाँ थी। और ये अब हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये भी बच्चों के खिलौने ही हैं, ये झूले हैं छोटे नन्हे बेबी के लिए। तो ये पता नहीं क्या है, खेलने के लिए बच्ची के लिए किसी के। तो अब हम इधर दिखाते हैं आपको झूले, तो ये देखें झूले पड़े हुए हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे हैं। रेट भी ठीक था इनका, तकरीबन याद नहीं अब कितना है मुझे। और ये भी बच्चों के खिलौने वगैरह ही पड़े हुए हैं, ये वाकर और ये बच्चों की गाड़ियाँ वगैरह। और इधर आगे चलते हैं, ये चिड़िया आ गई इसके साथ, तो मैंने भी खेला था बच्चों की तरह इसको, इसकी वो जो जिसको चाबी बोलते हैं, चाबी दे के इन्हें छाड़ता सी तो टप्पन लग गई सी उसको। ये देखें फ्रेंड्स बहुत ही प्यारी लग रही थी ये। और आगे देखते हैं अब, चलें जी रखें अब इसको। ये देखें नीचे गिरने लगी थी, बच गई। तो ये फ्रेंड्स आ गए हैं स्प्रे, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम वुमेन और मैंस के। और इधर ये जेल वगैरह भी पड़ी हुई थी, तकरीबन सारे ब्रांड थे, लेकिन मुझे सेबलॉन स्प्रे जेल चाहिए थी, हेयर स्प्रे जेल, तो मुझे तो वो मिली नहीं थी, बट तो पता नहीं शायद ख़त्म हुई हो। बाकी तो तकरीबन इनके पास हर चीज़ अवेलेबल थी। ये वॉलेट्स वगैरह हैं। और ये हम जा रहे हैं अब नीचे वाले पोर्शन में ग्रॉसरी, इधर जो भी है ग्रॉसरी का सामान वगैरह वो पड़ा हुआ है, साथ ही और भी हैं शॉप छोटे छोटे काउंटर से बनाए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इधर आइसक्रीम वगैरह पड़ी हुई हैं, ये साथ ही ये फ्रूट के रैक वगैरह लगे हुए हैं, बनाना एप्पल तकरीबन सारे फ्रूट पड़े हुए हैं। इसके साथ ही आगे सब्जियां हैं। और ये नीचे जो ग्रोसरी का सामान है सारा ग्राउंड फ्लोर पे इन्होंने वही रखा हुआ है। ये चावल पड़े हुए हैं, आटा पड़ा हुआ था, और आगे ये कुकिंग ऑयल वगैरह पड़े हुए हैं, लेकिन हम तो जो है कश्मीर घी और कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, वो हमें इधर से मिला नहीं था। तो जी तो फ्रेंड्स हम बाहर आ गए हैं, जी तो फ्रेंड्स निकल आए हैं बाहर, अब जो है घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता अब चलते हैं घर की तरफ। माशाल्लाह अभी 9:30 का टाइम हो चुका है, तो रौनक देखें आप, पहले से भी मुझे लगता है ज़्यादा रश हो चुका है अब तो। आवाम जो है अब ज़्यादातर शॉपिंग वगैरह जो भी कुछ करना हो, लेना देना हो, शाम का ही टाइम रखते हैं, शाम को ही मिलते हैं। दिन टाइम में कुछ गर्मी होती है और बंदा बिज़ी भी होता है, जो जॉबलेस हैं उन्होंने फिर अपनी जॉब पर होना होता है। तो जी तो फ्रेंड्स मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, ये इधर जूस कॉर्नर है चागी 25, बहुत ही मशहूर है, इनका जूस और आइसक्रीम होती है इनके पास, बहुत ही अच्छी होती है। तो इधर मेरे एक कज़न भी काम करता है, उसको भी तकरीबन 20-25 साल हो चुके हैं। जी तो फ्रेंड्स घर वापस आ गए हैं, थकावट बहुत हो गई है मेरे, तो सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि पूरे का पूरा जो है चीज़ें घूम गए हैं, और जो कुछ लेना था वो लिया, घर का राशन वगैरह लेना था तो वो लेके आए हैं। तो आज की ये वीडियो जो है आपका इधर ही ख़त्म करते हैं।
चाव से एंड दीजिए इजाज़त। दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।